13 साल के बाद भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया और भारत देश का नाम ऊंचा कर दिया। आपको बता दें 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने भारत की जोली में पहला गोल्ड मेडल डाल दिया। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद विश्व की किसी भी बड़ी एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा से दूसरे भारतीय एथलेटिक है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन है टोक्यो ओलंपिक गेम में भारत को गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की कहानी शुरू होती है पानीपत के एक छोटे से गांव से। यहां लड़कपन में नीरज भारी भरकम होती थी। करीब 80 किलो वजन वाले कुर्ता पजामा पहने नीरज को सब सरपंच कहते थे। फिटनेस ठीक करने के लिए वो पानीपत के स्टेडियम में जाने लगे और दूसरों के कहने पर जेवलिन में हाथ आजमाया और वहीं से फिर सफर की शुरुआत हो गई। बेहतर सुविधाओं की तलाश में निकले नीरज पंचकुला शिफ्ट कर गए और पहली बार उनका सामना राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से हुआ। उन्हें बेहतर सुविधाएं भी मिलने लगी। जब राष्ट्रीय स्तर पर नीरज चोपड़ा खेलने लगे तो खराब क्वालिटी वाली जेवलिन की बजाय हाथ में बढ़िया जेवलिन भी आ गई। धीरे धीरे नीरज के खेल में तब्दीली भी आने लगी। जब 2016 में भारत पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के मेडल का जश्न मना रहा था तो एथलेटिक की दुनिया में कई और एक नए सितारे का भी उदय हो रहा था। ये वही साल है जब नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। जल्द ही ये युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छाने लगा। उन्होंने गोल्ड कोस्ट में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 86.47 मीटर की जेवलिन थ्रो के साथ स्वर्ण पदक भी जीता तो 2018 में एशियाई खेलों में 88.07 मीटर तक जेवलिन थ्रो कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया था और स्वर्ण पदक भी जीता। लेकिन 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद ही मुश्किलों भरा भी रहा। कंधे की चोट के कारण वो खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद नीरज चोपड़ा को कई दिनों तक आराम भी करना पड़ा। फिर 2020 आते आते कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब घायल होने की वजह से नीरज चोपड़ा को इस कदर परेशानी हुई हो। 2012 में जब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे तब उनकी कलाई टूट गई, वही कलाई जिससे वो थ्रो करते थे। तब नीरज चोपड़ा ने कहा था कि एक बार उन्हें लगा था कि शायद वो नहीं खेल पाए, लेकिन नीरज चोपड़ा की मेहनत और उनकी टीम की कोशिश से वो इस पड़ाव कर गए। आज की तारीख में भले ही उनके पास विदेशी कोच है, लेकिन 2015 तक केवल नीरज चोपड़ा ने ही अपने आप को ट्रेंड किया था जिसमें घायल होने का ज्यादा खतरा बना हुआ रहता है। उसके बाद से ही उन्हें अच्छे कोच और सभी सुविधाएं मिलने लगी और फिर साल आया 2021 जिसमें 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा ने इतिहास ही रच दिया और भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलवाया। तो यह गर्व है से सिर ऊंचा करने वाले नीरज चोपड़ा की कहानी। आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।